पिज्जा पार्टी, पिज्जा पार्टी थोड़ी थोड़ी खींच ली। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहां जब आप पहुंच जाएंगे तो उससे आगे भी आप देख पाएंगे और आपको आगे की मंजिल नजर आएगी कि आपको और आगे बढ़ के क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या तरक्कियां पानी है, क्या मुकाम पाना है, कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, तो वो आपको आगे देखकर ही पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान एल के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों क्या हाल चाल, सब बढ़िया? उठ चुके हैं, अभी बज रहा है 7:30, 7 बजे करीब उठ गए थे, मुँह हाथ धुला, चाय पी रहे थे। तो अभी है बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त मौसम, सुबह सवेरे से भाई बारिश हो गई और कपड़े डले थे सूखने के लिए, पर ऐसी बारिश हुई भाई कि वो सूखने वाले कपड़े भी गीले हो गए। तो भाई रात को पता ही नहीं था कि बारिश होगी कि नहीं, क्योंकि मौसम हल्का खुला हुआ था, पर भाई सुबह सवेरे से बारिश हो गई 2-3 बजे करीब से। कपड़े जो थे वो सारे भीग गए, तो कोई नहीं, अभी जब धूप निकलेगी थोड़ी देर से शायद तो कपड़े सूख जाएंगे। तो देखते हैं आज क्या सब होता है, दिखाते हैं, बताते हैं, इंजॉय कराते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और काम करते हैं। अभी आए थे नाश्ता करने, पर मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी बाल सेट करवा लिए जाए, आज मौका है भाई, दुकान भी खाली थी उसकी, तो सेट करवा ली है। अब नाश्ता नहीं, सीधे नहाते हैं और खाना खा के चलते हैं दुकान। क्या कर रहा है भैया? कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ? कपड़े धो रहे थे बस एक मशीन में। नहीं बोल रहा है ना? नहीं धोला है तो कौन धोला कपड़े फिर? नेहा चाची धो रही हैं। कौन है नेहा चाची तुम्हारी? कौन है? नहीं नेहा चाची कौन है तुम्हारी? इधर इधर देख के बोलो, इधर देख के, नेहा चाची कौन है तुम्हारी? मम्मा। नेहा चाची बोल रहा है मम्मा। कहाँ जा रहे हैं? अरे हम तो उधर जा रहे काम से, हम अस्पताल जा रहे हैं, हम अस्पताल जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना दवा लेने जा रहे हैं। हैं नानी की, नानी की तबीयत खराब है ना? नानी नहीं लेटी है उधर पे, बड़ी नानी, दादी नानी, उनकी तब उनको दवा ले फिर आते हैं। मेरी नानी? तुम्हारी नानी तो आंगनबाड़ी गई है। कहाँ आंगनबाड़ी जाना है? अभी आंगनबाड़ी से आए ना रूमी? हाँ। ले जा, भेज यहाँ। वो देखो भैया को ले जा रहे हैं वो। अभी अभी आ रहा है, अच्छा अस्पताल से आ जा, पहले दवा ले आ फिर आते हैं, दवा ले आ फिर आ रहे हैं, दवा ले आ हैं। कहते अभी अभी हम दवा ले आ फिर आ रहे हैं, छोड़ देंगे हैं, अभी जब तक अंदर हो जा, टाटा करो, टाटा करो, बाय बाय। बहुत दिमाग खा जाता है भाई, बहुत ज्यादा। चलते हैं, नहा लिया, खाना खा लिया, दुकान चलते, भैया कहीं चले गए काम से, तो अपन बैठते हैं और काम देखते हैं। आज तो भाई दुकान में नींद आ गई, डैडी और भैया बैठे हुए थे दुकान में और अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी पंखे की, तो इतनी नींद आई कि मैं सीधे सो गया बिस्तर पर भाई, गजब नींद आई, आधे पौन घंटे करीब सो गया। फिर डैडी लोग चले गए तो मैं भाई मम्मी को फिर फ़ोन लगाया कि चाय बना दो, तो मम्मी तो नहीं उठाई, बाजी उठाई थी फ़ोन, चाय बना दी हैं वो, चाचा गए हुए हैं लेने के लिए, चाय पीते हैं, थोड़ी माइंड फ्रेश करते हैं, जो नींद भरी हुई है उसको दूर करते हैं और थोड़ा काम वगैरह देखते हैं। अभी भूख लगी हुई थी तो ये रोस्टेड चने और चाय मंगा ली है भाई, क्योंकि दोपहर को मैं खाना खाने नहीं गया था, सो गया था, 11 बजे ही नहा के और खाना खा के आया था, तो अभी चाय के साथ ये चने खा रहा हूँ कि थोड़ी भूख मिट जाएगी और पेट भर जाएगा। सुबह से मैं एक रील बनाने के जुगाड़ में था, पर वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा था, सुबह याद था अच्छे से, पर दोपहर में मैं भूल गया भाई। लड़कों को बताना था, फ्रेंडों को बताना था कि कौन से गाने में कौन से उसमें सॉन्ग पे रील बनानी है, वो मैं भूल गया। फिर अभी जाके याद आया वो गाना, तो अभी जब मैं रील बनाना स्टार्ट होगी तो वो मैं गाना बता दूंगा कि उसमें मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या डालना है। अभी फ़िलहाल मैं साहिल चल रहे हैं बस स्टैंड कपड़े डालने हैं, और अरविंद आ रहा है दूसरी गाड़ी से, वो बैंक के पास मिलेगा। कपड़े जो टाइट करवाने थे, पेंट लेके आए थे, वो टाइट नहीं करवा पाए थे,
क्योंकि भाई समय नहीं मिल पाया था, और जिस दिन गए थे 2 दिन से दुकान नहीं खुली हुई थी, तो अभी चल रहे हैं। अगर दुकान खुली होती उसकी तो कपड़े टाइट करवाते हैं, इनको कुर्ता बनवाना है, कपड़े लेके चल रहा है, सिलवाना है कपड़ा अपने साइज का, तो चलते हैं। अगर दुकान खुली होती है तो सिलवाते हैं और काम करते हैं, और कुछ ना कुछ खा के आते हैं, फिर चलते हैं क्योंकि गेम खेलने का भी टाइम हो रहा है भाई। तो चलते हैं, पहुँचते हो, काम करते हो, लाइफ इंजॉय करते हैं। करवा लिया भाई एंकल पेंट, थोड़ा टाइम लग गया उधर बताने ताने में, साइज में नाप में कैसा क्या करना है उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। अभी आए हुए हैं नीरज भैया के यहाँ, उन्होंने बोला था कि वो पिज्ज़ा बनाने लगे हैं, तो ऑर्डर दे दिया है, तो वो बोल रहे हैं 5 मिनट करीब लगेगा, जब तक हम लोग पेन टैंकर करवाए, जब तक उन्होंने बोला कि बन जाएगा और आ जाएगा, तभी इंतज़ार कर रहे हैं, 5 मिनट का इंतज़ार बोल रहे हैं। साहिल भाई शायद आज डोसा खिला रहे हैं, पिज्ज़ा खिला रहे थे, डोसा नहीं खिलाएंगे, तो आ जाए देखते हैं कैसा बना है, घर ही लेके चलेंगे वहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ तो टाइम है नहीं, खेलना भी है अपन को। इंतज़ार ना होने के कारण सूखी फुल्की बनवा ली गई है भाई, कि जब तक पिज्ज़ा है जब तक थोड़ी बहुत भूख तो मिटे। मजा भाई, हम लोग ने पिज्ज़ा तो ऑर्डर कर दिया, पर प्राइस नहीं पूछा नीरज भैया से कि रेट कितना लेंगे, पैसे कितना लेंगे, तो अभी को पूछना पड़ेगा। नीरज भैया पिज्ज़ा का रेट तो बताओ, 100 रुपये कि कुछ कम? 100 रुपये बोल रहे हैं, हाँ ये भी है, देखते कौन सा वाला आ रहा है, उस हिसाब से पैसे देंगे सर। अरविंद इंतजार करवा रहे हैं, इंतजार कर रहा है अरविंद भाई, पैसे बोल रहे हम देंगे। हाँ हाँ भैया हमारे पास नहीं है। कौन देगा? शायद मेरे तरफ इशारा कर रहे भाई, मुझे लूटने के जुगाड़ में। एक तो ये काम भी करवाया मैं पेंटों का, इसके कुर्ते भी डाल के आए, और अब पिज्जा आ चुके हैं भाई घर। जल्दी थी तो पिज्जा वहाँ नहीं खोला ना खाया, सीधे पैक करवा के उठा लाए हैं, तो खोल भैया है। ये है भाई पिज्जा, तो खा के तो देखते हैं भाई, देखने में तो अच्छा लग रहा है, महक भी अच्छी आ रही भाई, टेस्ट भी अच्छा होगा। चल भैया स्वाद लेके देखते हैं, मस्त है भाई। ब्रेड सोया गेरा के भाई, पिज्जा पार्टी, पिज्जा पार्टी, थोड़ी चीज देखो, पिज्जा पार्टी, पिज्जा थोड़ी चीज में खा लिया भाई पिज्ज़ा, मज़ा आ गया। आज तो पिज्ज़ा पार्टी करके मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑसम खाना खाने को मिला, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। तो पानी भरते हैं, चलते हैं, ये ब्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तर उतारा वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, बने रहिए ऐसे यू लिटिल खानेल के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए और बेहतर कॉन्टेंट आ सके और आपका मनोरंजन हो सके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।